चौधरी फारूक इनके लॉ मिनिस्टर सराय आलमगीर से। ये फारूक साहब वही नहीं? हाँ जी, मर्डर कर दिए गए थे। बेदर्दी से एक इंतहाई कीमती और लाजवाब आदमी। हमारी पॉलिटिक्स को आज उसकी अशद जरूरत थी। सराय आलमगीर के एक मुतवसत घराने का नौजवान तबकियाती तकसीम और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ जब निकला तो वजीर कानून की हैसियत से असेंबली में पहुँच कर ही दम लिया। चौधरी फारूक शहीद अपने दौरे इक्तदार में करवाए जाने वाले तरक्याती कामों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने और सबसे बढ़कर सराय आलमगीर को तहसील का दर्जा दिलवाने जैसे कामों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अपने अबाई इलाके मैरा के सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज किया, कानून और सियासियात की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। महरूमियों का अजाला और खिदमत खल्क के जज्बे के साथ साथ चौधरी फारूक में कायदाना सलाहियत भी मौजूद थी। यही वजह है कि सराय आलमगीर और गिर्दोनवाह के नौजवानों पर मुश्तमिल एक समाजी तंजीम अल फलाह वेलफेयर सोसाइटी की बुनियाद रखी। इसी तंजीम के प्लेटफॉर्म से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में सूबाई नशिस्त के लिए हिस्सा लिया और सख्त मुकाबले के बाद राजा कामरान अफजल से हार गए। इस हार ने इनके हौसले पस्त करने की बजाय इन्हें ज्यादा बाहिम्मत बना दिया। इसी सियासी हार ने चौधरी फारूक को मजीद निखारा और उन्होंने अवामी खिदमत के मिशन का जो बेड़ा उठाया था उसे और जोरों शोर से करना शुरू कर दिया। 1985 के इलेक्शन की हार के बाद उन्होंने बेहतर तैयारी और उलू लजमी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर मसलसल 3 बार सूबाई असम्बली के मेंबर बने। यही नहीं, 1993 का इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने पंजाब के वजीर कानून का कलमदान भी संभाला। यही वो वक्त था जब एक आम घर में पैदा होने वाले लड़के ने अपने इलाके की तकदीर बदलने वाले ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और सराय आलमगीर जैसे इलाके को तहसील का दर्जा दिलवाकर रहती दुनिया तक अपना नाम सराय आलमगीर की तारीख में अमर कर लिया। इसके अलावा तरक्याती कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाकर इलाके की पसमानदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। 1997 के जनरल इलेक्शन में मलक हनीफ अवान से शिकस्त खाने के बाद 1998 के बल्दियाती इलेक्शन में नए वलवले के साथ मैदान में उतरे, मगर इनका पैनल अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहा। एक मंजे सियासतदान की तरह हिकमत अमली से अपना मुत्तफिका चेयरमैन लाने में कामयाब हो गए। इनकी इस सियासत फहमी और जोड़ तोड़ ने इनका सियासी कदकाठ मजीद बढ़ा दिया। इसी हिकमत अमली की वजह से 2001 के बल्दियाती इंतखाबात में फारूक चौधरी ग्रुप ने तहसील भर में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 10 अक्टूबर 2002 के जनरल इलेक्शन में एक बार फिर चौधरी फारूक ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके नाकदीन के मुंह बंद कर दिए, मगर इनके दुश्मनों को इनकी ये कामयाबी हजम ना हो सकी। जबकि सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब होने वाले चौधरी फारूक का नाम पंजाब की अहम वजारत के लिए लिया जाने लगा, मगर 29 दिसंबर को घात लगाए बैठे दुश्मनों की फायरिंग से चौधरी फारूक करीबी साथियों समेत शहीद हो गए। आज सराय आलमगीर की सरजमीन पर चौधरी फारूक का लगाया गया अवामी खिदमत और फलाह का पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है और इस खिदमत का बेड़ा उठाए फारूक शहीद फाउंडेशन आज भी सरगर्मे अमल है। नबील रशीद, newsalert.com.pk